हम जितने भी लोग बार हिंदुस्तान में रहते हैं या हिंदुस्तान से बाहर रहते हैं, जो ज्योतिष को मानते हैं, हमारे ज्योतिष में दो प्रकार की विधाएं हैं, सूर्य पर आधारित राशि और एक होती है चंद्रमा पर आधारित राशि। जी, चूंकि हमारे हिंदुस्तान में चंद्रमा पर आधारित जो राशियां होती हैं उन्हीं को ही मान्यता दी जाती है और उसके आधार पर 12 राशियों का निर्माण होता है। जी, तो अगर हम राशियों के अनुसार रंगों का त्यौहार मनाते हैं, गुलाल का प्रयोग करते हैं, रंग का प्रयोग करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा तो सर्वांगीण विकास होता ही है, बल्कि दूसरे व्यक्ति के साथ जिसके साथ हम होली खेल रहे जा रहे हैं उस पर हमारे व्यक्तित्व का प्रभाव कहीं ना कहीं पॉजिटिव देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए मेष राशि वाले हैं और वृश्चिक राशि वाले हैं, ये दो राशि वाले हैं ऐसे हैं जिनका स्वामी मंगल है, तो ऐसे राशि वाले व्यक्तियों को खासतौर पर लाल रंग का इस्तेमाल कलर के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए या गुलाल के रूप में करना चाहिए, जिससे लाल रंग को हम लोग वैसे भी एनर्जी का कारक मानते हैं, तो मेष राशि वाले और वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों को होली खेलने के लिए लाल रंग का ही प्रयोग करना चाहिए। वृषभ राशि वाले और तुला राशि वाला का जो स्वामी है वो शुक्र है, चूंकि शुक्र की प्रभावशीलता हमारे जीवन में भौतिकता के रूप में देखी जाती है, तो ऐसे रंग में सफ़ेद रंग का, क्रीम कलर का या हल्के कलर के जो रंग हैं या गुलाल हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। मिथुन राशि वाले और कन्या राशि वाले व्यक्तियों की राशि का स्वामी होता है बुध, तो ऐसी स्थिति में बुध को मजबूत करने के लिए, वाणी दोष को खत्म करने के लिए हरे रंग का जो रंग अगर हम प्रयोग करते हैं, तो हरा रंग चूंकि हमारी प्रकृति की संरचना को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए पर्याय माना गया है, तो ऐसी स्थिति में हरे रंग का प्रयोग करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। देखिए, सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए कहीं ना कहीं गुलाबी रंग से या लाल रंग से होली खेलना शुभ माना गया है। वहीं दूसरी ओर कर्क राशि जो है उसके स्वामी हैं चंद्रमा, तो ऐसी स्थिति में कर्क राशि वाले व्यक्तियों को चाहिए कि सिल्वर रंग या यह कह लीजिए कि सफ़ेद रंग और क्रीम कलर का रंग अगर आप रंग के रूप में या गुलाल के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए लाभदायक रहेगा। अब आती है बात मकर राशि की और कुंभ राशि की। देखिए, मकर राशि और कुंभ राशि का जो स्वामी है वो शनि है, तो ऐसी स्थिति में मकर राशि वालों को, कुंभ राशि वालों को और आपकी मीन राशि वालों को गहरे नीले रंग का या मटमेले रंग का जो कलर है उसका इस्तेमाल अपने होली के त्यौहार में किया जाना चाहिए। और एक और राशि रह गई है जिसका नाम है धनु राशि। धनु राशि का स्वामी भी गुरु है, तो गुरु चूंकि बृहस्पति से जुड़ा हुआ शब्द है, तो ऐसे व्यक्तियों को पीले रंग से होली खेलना शास्त्र सम्मत भी है और पीला रंग हमारे लिए वैसे भी प्रॉस्पेरिटी का कारक माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में सभी जो 12 राशियां हैं उनके लिए अलग अलग कलर से होली खेलने का एक विधान है, और ज्योतिष की दृष्टि से चूंकि कलर थेरेपी जो होती है वो हमारे शरीर को ऊर्जावान बनाने में सफलता प्रदान करती है।